लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर बता दे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बैठक की है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ये बैठक की। आपको बता दें, पिछड़ा दल संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने ये बैठक की है। पदाधिकारियों ने गोमती रिवर फ्रंट के किनारे की ये बैठक। आपको बता दें कि 19,000 से अधिक सीटों पर हुआ है आरक्षण घोटाला और इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर की गई है। तो पदाधिकारियों की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ये बैठक की है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ये बैठक की, बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछड़ा दल संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने ये बैठक की है। पदाधिकारियों ने गोमती रिवर फ्रंट के किनारे ये बैठक की, यानी कि इस बैठक का जो आयोजन हुआ वो गोमती रिवर फ्रंट के किनारे हुआ। 19,000 से अधिक सीट पर आरक्षण घोटाला हुआ है और इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ की गई। पदाधिकारियों की ये बैठक, आपको बता दें कि 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ था, इसको लेकर तमाम तरीके की बातें उठी थी, लेकिन अब इसको लेकर बैठक की गई है। आपको बता दें कि गोमती रिवर फ्रंट के किनारे इस बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें पदाधिकारियों ने ये बैठक की है। पिछड़ा दल संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने ये बैठक की, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बैठक की, बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला। आपको बता दें कि इसको लेकर अभ्यर्थियों ने बैठक की है और बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ये बैठक की। पिछड़ा दल संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने ये बैठक की है। हालांकि ये बैठक जो है वो गोमती रिवर फ्रंट के किनारे की गई और 19,000 से अधिक सीटों पर इसमें आरक्षण घोटाला हुआ था, इसको लेकर कई मांगे भी थी और अब इसको लेकर बैठक की गई है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है ये देखना होगा, लेकिन जो बैठक है वो पदाधिकारियों के द्वारा की गई है और गोमती रिवर फ्रंट के किनारे ये की गई है।